वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, गलत कहते हैं। सो गाइस, वी आर फाइनली रीच्ड इन केदारकंठा बेस कैंप। ये केदारकंठा का बेस कैंप है और ये केदारकंठा बेस कैंप चढ़ने के लिए हमने संगरी से टोटल हमने अराउंड 9 किलोमीटर के आसपास आज ट्रैकिंग करी है और हाइट हमने जो गेन करी है आज 10,000 फीट के आसपास हमने हाइट गेन करी है यहाँ पे। और ये पूरे देखो कैंप साइट है, आसपास सारे कैंप लगे हुए हैं और हमारा कल का केदारकंठा का सम्मिट है। रात के 2 बजे हम उठ के केदारकंठा सबमिट करने जाएंगे और सुबह सनराइज देखेंगे केदारकंठा के सबमिट पे। तो मिलते हैं आपको केदारकंठा सबमिट पे। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम केदारकंठा बेस कैंप। सुबह के बज रहे हैं 2 और टेम्परेचर हो रहा है -23 डिग्रीज। ऐसा गाइड ने बताया है, उनके पास BSNL का सिम है तो यहाँ से ट्रैक कर पा रहे हैं। और दूसरा मैं यही बताना चाहूँगा कि भाई यहाँ चिलिंग विंटर है, अपना सारा सामान खुद ही लेके आना। 5-5 लेयरिंग कर रखी है हमने, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पूरी बर्फ जमी हुई है अंदर पूरा। ग्लव्स भी डबल कर रखे हैं, सॉक्स भी हमने 4 लेयर पहन रखी है, तब भी बहुत ज़्यादा हार्ड। अभी यहाँ पे केदारकंठा बेस कैंप में -23 डिग्री टेम्परेचर, आप सोच सकते हो केदारकंठा में कितना सबमिट पे कितना टेम्परेचर होगा। माइनस मुझे लग रहा है 40-50 डिग्री टेम्परेचर होगा सबमिट पे, तो आप सोच सकते हो हमारी क्या हालत खराब हुई। तो ऐसे कंटेंट दिखाने के लिए, ऐसी ठंड में चिलिंग वेदर में आपको कंटेंट दिखाने के लिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो अब हम निकल रहे हैं केदारकंठा सबमिट के लिए, तो आपको आगे के नज़ारे दिखाते हैं। So guys, हम सबमिट कर लिए हैं और हम नीचे उतर रहे हैं अपने केदारकंठा बेस कैंप की ओर। वहीं पे हमारा आज लंच है, लंच करेंगे फिर उसके बाद हम सीधा संकरी जाएंगे। रहा है 11 और हम लोग आ चुके हैं वापस केदारकंठा बेस कैंप। और इधर हम लोग राजमा चावल और अचार खा रहे हैं मस्त। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग पैकिंग स्टार्ट करेंगे और अपना निकल चलेंगे नीचे संकरी की ओर। संकरी आज का स्टे हमारा कोटगांव ही रहेगा, कल का क्या प्लान रहेगा कुछ पता नहीं है। कल से हमारी सफर भी मंजिल स्टार्ट होगी, तो हमारा सफर भी मंजिल का जानते ही हो, कुछ अता पता रहता नहीं है कहाँ जाएंगे, कुछ पता नहीं रहता उसका, तो कोई प्लान है कल से सफर भी मंजिल Volume 2 स्टार्ट। हे गाइस, हमारे इस ट्रिप पे देखो कौन मिला है हमें, एक बहुत ही हैवी
ट्रैवलर जो जिन्होंने अभी स्टार्ट किया और बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाते हैं, ये अपनी वीडियोस और अपने चैनल के बारे में आपको बताएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मेरा नाम है पीयूष वर्मा और चैनल का भी नाम पीयूष वर्मा ही है। बाकी भाई मिले तो भाई बड़े प्यारे, उन्होंने कहा कि व्लॉग में आ जाना और हम भी यही करते हैं, ट्रैवल वीडियोस बनाते हैं, ड्रोन शॉट्स वीडियोस बनाते हैं। बेसिकली हमारा फोकस ट्रैवल पे रहता है, नए नए लोगों से मिलते हैं भाई के जैसे अच्छे एकदम। तो भाई के चैनल को तो सब्सक्राइब करने अगर आप नए हो तो, और भाई मेरी लिंक भी डाल देना। लिंक क्या, अभी सब्सक्राइब का बटन ठोक देना इनका तुरंत। बढ़िया बढ़िया, तो ये रेड बटन दिखेगा ना उसमें गोला और दिखेगा, तुरंत सब्सक्राइब। चलो थैंक यू भाई, अच्छा लगा मिलते। चलो भाई मिलते आगे। सो हाय गाइस, अब हम लोग जो है अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि हम लोग निकल चुके हैं नीचे संकरी की ओर, और अभी तो पता नहीं कितना किलोमीटर हुआ है, बट ये एक नया रूट निकाला है हम लोगों ने भाई। देखो जो खोज करते रहना चाहिए, नई खोज हमारी। पुराने वाले रूट से जो आ रहे थे अच्छा खासा आ रहे थे, पर सोचा अब नहीं जाएंगे यार, बोरियत हो जाएगी उससे। नया रास्ता निकालो, नया ढूंढो। तो हमारे गाइड भैया ने ऐसा नया ही रूट निकाल दिया गाँव वालों वाला। अभी इस पर एक भी बंदा नहीं है ट्रैकर, हम ही हैं बस। कल इस नए वाले पुराने वाले रूट से इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि कल देखा था आपने बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था उस पर, सो इसलिए आज हम वो प्रिफर नहीं कर रहे। भले ये थोड़ा स्टीप है, थोड़ी चढ़ाई उड़ाई डाउ आए जा रहा है इसमें, तब भी हम इस रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि इस पर रश कम है। सो हमें क्योंकि संकरी जाना है इसलिए हम इस रास्ते को प्रिफर किया है। और दूसरा ये बात भी है, आज जो था सनी डे था, तो जो जितनी भी स्नो होती है जमी हुई फ्लो इस पे वे पे जो बने हुए हैं ट्रेल्स वो हो जाती है मेल्ट, उसके बाद हम जो है गिरते हुए जाते हैं। और अब स्पाइक्स तो दे दिए हैं वापस, अब शूज़ ही बचे हैं ट्रैकिंग। तो फिर हम लोगों को खुद पे विश्वास नहीं था कि हम गिरना नहीं चाहते बिल्कुल भी, तो अब हम जा रहे हैं नए रूट से। अब देखिए कितना टाइम लगता है, बताया तो ऐसा है कि ये छोटा रूट है पर छोटे में कभी कभी फट भी जाती है। पर छोटे रूट में धोखा मिलता है कभी कभी, कभी कभी लंबा ही निकलता है, धोखा मिल जाता है कभी कभी एंड में जाके, बट कोई बात नहीं, देखेंगे आज कैसा होता है हमारे साथ। अब ये जो रूट है, देखिए ये अभी बच गए, बस अभी खेल हो जाता है हमारे साथ, गिर गए थे। रास्ता है बहुत ही खड़ा है, रणधीर भाई को तो अभी थोच चटक जाती है इनकी, मुझे देखते कैसे उतरते हैं। सो गाइस अभी तक का अपडेट है, हम हर गांव आ गए हैं, केदारकंठा बेस कैंप से 3 किलोमीटर नीचे, अभी का टाइम हो रहा है 2 अभी तक का। और हमने यहां पे हर गांव में एक दुकान थी, तो वहां पे अभी आप चाय मैगी वैगी मिलती है, तो वहां पे आप चाय वो सब थोड़ा रेस्ट कर सकते हो और उसको एंजॉय कर सकते हो। अभी यहां से नीचे हम लोग जा रहे हैं संकरी की ओर, और बोला है कि 3 किलोमीटर अभी वो पॉइंट है जो पहला टी पॉइंट था संकरी से आते हुए, तो वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर था, तो 3 वो बचा है और 1.5 मतलब 4.5 किलोमीटर अभी बचा है। तो मुझे तो लगता है कि आज शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी बल्कि नीचे जाते जाते, बट देखते हैं क्या होता है, एक्चुअल में आपको अपडेट करते रहेंगे फिर। सो गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम संकरी। हम लोग जो है कल रात में लौट आए थे केदारकंठा बेस कैंप से, नीचे आ गए थे हम लोग शाम को 8 बजे के अप्रोक्स, हम लोग अपने इधर आ गए थे होम स्टे में, जो कि थक इतना गए थे तो सो कल ब्लॉग ऐड नहीं कर पाए, इसलिए मॉर्निंग में अभी ब्लॉग ऐड कर रहे हैं। तो अभी का कुछ ऐसा प्लान है, अभी हम वापस देहरादून जा रहे हैं, देहरादून के बाद क्या होगा कैसा क्या होगा वो आपको अपडेट करेंगे। अभी कल का जो ट्रैकिंग था वो डाउन हिल काफ़ी ज़्यादा टफ रह गया था, घुटनों में हमारे दर्द हो गए, उसके बाद थोड़ी बर्फ भी थी तो उसमें फिसलन ज़्यादा थी, और बारिश पड़ी थी तो कीचड़ बहुत ज़्यादा था, तो ट्रैक करने में ज़्यादा फिसलन थी बहुत, तो बंदे हमारे फिसल के आए हैं और सबकी बम दर्द कर रही है क्योंकि गिरे बहुत थे। और अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, लकीली हमको बहुत स्नो मिला था ऊपर, स्नोफॉल लगातार कम से कम 3-4 घंटे तक होता रहा था, बट आज देख रहे हैं आप बहुत सनी डे है, तो ऑलमोस्ट जितने भी पीक्स पे स्नो था वो सब मेल्ट हो चुका है, तो हो सकता है कल या परसों में फिर से प्रेडिक्शन है न्यू ईयर तक 1-2 बार फिर से स्नोफॉल हो सकता है। तो ऑल द बेस्ट, अगर आप इस वीक आ रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया रह सकता है आपके लिए, बाकी फिर देखते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट ट्रिप जो है देहरादून से स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम क्या है बताएंगे मुकेश भाई? सफ़र विन मंजिल वॉल्यूम 2, और उसका आप जानते हैं सफ़र विन मंजिल का हमारा क्या होता है टैगलाइन, कहाँ जाना है क्या करना है कुछ पता नहीं रहता, उसके बाद देखते हैं हम कहाँ जाते हैं, देहरादून में डिसाइड होगा।
इसका नेक्स्ट प्लान क्या है हमारा? अभी वैकेशन का लीव बैलेंस हमारा टिल 2 ऑफ जनवरी बचा हुआ है, तो सफर बिन मंजिल जो है बहुत रॉक जाने वाला है। अभी मालूम नहीं कहाँ जा रहे हैं, देखते हैं, देहरादून के बाद डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। टिल देन गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।